नमस्ते प्रणाम, आप लोग का वेलकम है मनमोही न्यूज में। तो गाइज आज बात करने वाले हैं भोजपुरी का सुपरस्टार गायक एवं नायक धनंजय धड़कन जी का बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और कर दीजिए लाइक और कर दीजिए कमेंट। तो गाइज बात करते हैं धनंजय धड़कन जी का बारे में। तो गाइज अभी 4 बड़ी खबर धनंजय धड़कन जी का बारे में निकल के बाहर आ रहा है जो कि आप लोग को पता नहीं होगा। तो गाइज इस न्यूज को सुनने के लिए लास्ट तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो शुरू करते हैं पहला न्यूज। तो गाइज धनंजय धड़कन जी का और RCM का बीच में जो विवाद था, कल रात 8 बजे उनके पिताजी और उनके जीजाजी और RCM म्यूजिक का मालिक राकेश कुमार बैठ के उसको खत्म कर दिया है। तो दूसरी न्यूज है कि उनका जो भी गाना बंद था, एक लाइव के जरिए बोले हैं कि अब फिर से आप लोग RCM में जुड़िए क्योंकि मैं फिर से RCM से गाना गाने का शुरू कर दिया हूं और पहले जैसे प्यार दुलार दीजिए। तो तीसरी खबर ये है कि पब्लिक में काफ़ी गुमराह पैदा हो गया है क्योंकि धनंजय धड़कन खुद एक लाइव के जरिए, मैं कंठ के कसम खा कर कहता हूँ मैं RCM से कभी नहीं गा सकता हूँ क्योंकि मुझे मार दीजिए ऐसे करके एक बोले थे, उसके वजह से अभी पब्लिक में कुछ नाराज़गी पैदा हुआ है और कुछ गलते कमेंट आ रहे हैं फेसबुक पे और हम लोग के पास। तो उसी कमेंट को मैंने समेटने का कोशिश किया हूँ और देखिए आप लोग के बीच मैंने दिखाऊंगा उस कमेंट को। तो एक ये खबर बड़ी निकल के आ रही है। और चौथी खबर बात करें तो धनंजय धड़कन जी का फैन काफ़ी हौसला बुलंद किए हैं और काफ़ी पार्टियां उत्साह देख रहे हैं और धनंजय धड़कन जी का बधाई दे रहे हैं कि इस मैटर को आप सलट लिए और फिर से गाना शुरू कर दिए। तो गाइज एक तरफ नाराज़गी है तो एक तरफ खुशी है। तो गाइज आप लोग कमेंट में बताइए कि धनंजय धड़कन गलत था कि RCM म्यूजिक का मालिक गलत था, तो आप कमेंट में बता सकते हैं और कमेंट का वेट रहेगा। तो गाइज मिलते हैं दूसरे न्यूज़ में। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।